आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं जिसे हम कभी जिंदगी भर भूल नहीं पाते। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ था। वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मैं चाहकर भी उस भयानक हादसे को भूल नहीं पाता। आप सभी लोगों ने अपने जीवन में छलावे की कहानियां और किस्से बहुत से सुने होंगे और शायद आपको ये सब सुनकर काफ़ी रोमांच और मज़ा भी आता होगा। लेकिन यकीन मानिए, छलावे हकीकत में होते हैं और जिस किसी का भी सामना अपने जीवन में छलावे से होता है तो वो उसे बताने के लिए जिंदा नहीं बचता, और जो बच जाता है वो सारी जिंदगी उस डरावने पल को कभी भूल नहीं पाता। मेरा नाम राहुल है, आज मेरी उम्र 45 साल है। मेरे साथ ये घटना आज से 20 साल पहले घटी थी। मुझे आज भी याद है, वो दिसंबर की कड़कड़ाती हुई ठंड की रात थी। मैं अपने दोस्त राजन को लेकर अपने मामा जी के घर आया हुआ था। मामा जी गाँव में रहते थे, मुश्किल से उस गाँव में 100 के करीब मकान बने होंगे। मेरे दोस्त राजन को गाँव देखने का बहुत शौक था, इसीलिए वो मेरे साथ आया था। मामी मुझे और मेरे दोस्त को देखकर बहुत खुश हो गईं। वो हमें वहाँ पर रहते हुए करीब 5 दिन से ज़्यादा हो गए थे और एक दिन अचानक मामा जी किसी पत्थर से टकरा गए और उनके पैर में बुरी तरह से चोट लग गई। चोट लगने की वजह से मामा जी और मामी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। पहले तो मुझे लगा कि शायद चोट लगने की वजह से दोनों चिंतित हों, लेकिन फिर मुझे उनकी परेशानी की कोई दूसरी वजह लगी। मैंने जब उनकी परेशानी का कारण पूछा तो मामी ने बताया कि मामा के पैर में चोट लगने की वजह से अब कुछ दिनों तक वो खेतों की रखवाली नहीं कर पाएंगे। मामा जी का गांव जंगल के आसपास ही बसा हुआ था और यहाँ पर जंगली जानवर अक्सर रात में खेतों में घुसकर फसल खराब कर दिया करते थे। मैंने मामा जी की ओर देखकर कहा, आप घबराते क्यों हैं मामा जी? जब तक आपका पैर ठीक नहीं हो जाता, खेतों की रखवाली मैं और मेरा दोस्त कर लिया करेंगे। कुछ ही दिनों की तो बात है। मेरी बात सुनकर मामा जी और मामी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। तभी मैंने कहा, क्या हुआ, आपको क्या लगता है अगर हम शहर में रहते हैं तो हम खेतों की रखवाली नहीं कर सकते हैं? मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त राजन हंसता हुआ बोला, चिंता मत कीजिए मामा जी, खेतों की रखवाली में करना ही क्या पड़ता है। हम दोनों अपने साथ एक मोटा डंडा लिए जाते हैं, कोई भी जंगली जानवर आएगा तो उसे धूल चटा देंगे। तभी मैंने कहा, राजन सही कह रहा है, हम रात भर सोएंगे नहीं और सुबह घर आकर अपनी नींद पूरी कर लेंगे। हम दोनों की बात सुनकर मामा जी ने बहुत गंभीर लहजे में कहा, बात वो नहीं है बेटा, ये सर्दियों की रात है, गाँव में छलावे अक्सर घूमते रहते हैं, तुम शहर वाले इन छलावों से वाकिफ नहीं हो। छलावे का नाम सुनकर मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमने ये नाम अपनी जिंदगी में पहली बार सुना था क्योंकि हम शहर के रहने वाले थे। जब हमने मामा जी से छलावे के मुतल्लिक कुछ जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि छलावा किसी भी इंसान का रूप ले सकता है, मगर सच में वो एक भूत होता है। अगर कोई इंसान उसकी बातों में आकर उसके साथ चला जाए तो वो कभी जिंदा वापस नहीं आता, और वो इंसान को मारने के लिए किसी भी तरह के रूप बदल सकता है। मामा जी की बात सुनकर हम दोनों जोरों से हंसने लगे। मैंने हंसते हुए मामा जी से कहा, बस भी कीजिए मामा जी, ऐसा फिल्मों में होता है, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। मगर मामा जी हमें रात के समय खेतों में भेजने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। मैं खेतों में जाने के लिए मामा जी से जिद पर अड़ गया। काफ़ी देर बाद उन्होंने हार मान ली। तमाम नसीहतें देकर मामा जी ने हम दोनों को खेतों की रखवाली के लिए भेज दिया। रात का सन्नाटा फैल चुका था, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। हम दोनों दोस्त खेतों में कंबल ओढ़कर अलाव जलाकर बैठ गए। दूर से आती हुई गीदड़ों की आवाज़ें हमें खेतों में गूंज रही थी। हम दोनों दोस्त काफ़ी देर तक बातें करते रहे ताकि हम दोनों के ऊपर नींद हावी ना हो,
मगर कहते हैं ना, नींद तो कांटों में भी आ जाती है। बातों के दौरान हम दोनों की आंख लग ही गई कि अचानक मुझे पकड़कर किसी ने बुरी तरह से झिंझोड़ दिया। मैं चौंक कर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा, मगर मैंने देखा कि राजन तो बैठे बैठे ही सो रहा है। मैंने अपने दोस्त राजन को तुरंत उठाया। राजन मेरी ओर देखकर नींद में बोला, क्या हुआ यार, अभी अभी तो नींद का झोंका आया था, उठा क्यों दिया? इस पर मैंने कहा, मुझे सोते हुए किसी ने बुरी तरह से झिंझोड़ दिया, मुझे लगा कि शायद तू है। इस पर राजन बोला, पागल हो गया क्या, मैं भला तुझे क्यों उठाऊंगा? मगर मुझे अच्छी तरह से याद है कि सोते में किसी ने मेरा पूरा शरीर पकड़कर बुरी तरह से झिंझोड़ दिया था। सच तो यह है कि मैं अंदर ही अंदर अब थोड़ा घबरा गया था। मैं इसी सोच में गुम था कि तभी दूर से मुझे कोई आता हुआ दिखाई दिया। रात का अंधेरा और कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था, इसी वजह से उसका चेहरा साफ दिख नहीं रहा था। कुछ ही देर में वो आदमी हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। हम दोनों उस व्यक्ति को देखकर बुरी तरह से चौंक गए, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे मामा जी थे। राजन और मैं हक्का बक्का मामा जी की ओर देखने लगे। मैंने मामा जी की ओर देखकर कहा, मामा जी आपको तो चोट आई थी, लेकिन आपके चलने के अंदाज से तो ऐसा लग नहीं रहा कि आपको चोट आई है। मैंने देखा मामा जी ने हम दोनों की ओर देखकर सपाट लहजे में कहा, हाँ मेरी चोट सही हो गई, तुम्हारी मामी की रात में तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए मैं उन्हें दूसरे गांव के एक डॉक्टर के पास ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई तो मैंने सोचा तुम दोनों को भी अपने साथ ले चलूँ। मामा जी की बात सुनकर हम दोनों पूरी तरह से घबरा गए। मैंने तुरंत मामा जी से कहा, तो फिर जल्दी चलिए, कहाँ है मामी? इस पर मामा जी ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर दाएं ओर जो रास्ता जाता है। मामा जी की बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गया, क्योंकि हमारे खेतों से दाई ओर की पगडंडी से होता हुआ एक कच्चा रास्ता जंगल की ओर जाता था, जहाँ पर एक तालाब भी पड़ता था। मैंने मामा जी से हैरान होते हुए पूछा, लेकिन वहाँ तो कोई रास्ता नहीं है। इस पर मामा जी ने कहा, एक रास्ता है जो सिर्फ मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने बचपना इसी गांव में बिताया है और वो थोड़ा शॉर्टकट है। अब तुम दोनों जल्दी चलो, मुझे तुम्हारी मामी की फिक्र हो रही है। इतना कहकर मामा धीरे धीरे कदमों से उसी दिशा की ओर बढ़ गए। मगर कुछ दूर चलने के बाद मुझे कुछ अजीब सा डर महसूस होने लगा। मैंने देखा कि मामा जी ने रास्ते में हम दोनों से कोई बात नहीं की, जबकि मामा जी बहुत ही बातूनी आदमी थे। मैंने धीरे से अपने दोस्त राजन से कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है यार। इस पर राजन बोला, पागल हो गया क्या, एक तो तेरी मामी की तबीयत खराब है, ऊपर से तू ये सब क्या बोल रहा है? तभी मैंने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि छलावे वाली बात में कोई सच्चाई हो? तभी राजन बोला, तेरे कहने का मतलब क्या है, कि ये तेरे मामा नहीं है? अब मुंह बंद कर अपना और चुपचाप चल। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। मगर कुछ दूर चलने के बाद मामा जी तालाब के पास जाकर रुक गए। चारों ओर घना जंगल था और सामने एक बड़ा सा तालाब, जो रात के अंधेरे में और कोहरे के साए में बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। तभी मामा जी एकदम से पीछे पलटे तो उनके चेहरे को देखकर मेरी हवाइयाँ उड़ गईं और राजन भी बहुत ज़्यादा डर गया। उनका चेहरा बहुत ही अजीब था, पूरे चेहरे पर कटे फटे निशान थे और उनकी आंखें पूरी सफ़ेद। वो लग नहीं रहा था कि वो कोई इंसान है। जिसके बाद मैंने और राजन ने वहाँ से दौड़ लगा दी, मगर वो छलावा या इंसान जो भी था वो हमारे पीछे पीछे आ रहा था। तभी राजन ने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और उसके ऐसा करते ही वो छलावा हमसे बहुत पीछे हो गया और हम लोग तुरंत गांव की सीमा के अंदर आ गए। घर आकर हमने मामा जी को पूरी बात बताई, जिसके बाद मामा जी ने कहा कि तुम लोग बहुत साहसी हो और ऐसा बहुत कम होता है कि छलावे के चपेट में आकर कोई जिंदा बच पाता है, मगर शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी है। दो दोस्तों
ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।